स्वागत है आपका अपने चले इलाहाबाद पिजन में। और आज हम लोग आए हैं कुशल भैया की टेरिस पर, कुशल मिश्रा इलाहाबाद। और आज आपको यहाँ पे देखेंगे दुबई के उस्ताद इस्माइल। देखें उस्ताद अब कबूतरों का शौक कर रहे हैं। बहुत अच्छा कबूतर है माशाल्लाह कुशल भाई के पास, और मैदान माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो रहा है कुशल भाई माशाल्लाह, मैदान बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। हमारा तीना कबूतर इसे भी निकलता है। उस्ताद की जो फेमस नस्ल है उस्ताद के चीने नस्ल, जो कि उस्ताद के सबसे अच्छे कबूतरों में से हैं, सलमान मलंग जी, उनमें का आज उस्ताद को नस्ल यहाँ पे दिख गया अपने इलाहाबाद में। बहुत अच्छा माशाल्लाह बनाया कुशल भाई ने भी। शौक करें उस्ताद चीने का, देखें इनका शौक करें आँखों वगैरह के। ये कुशल मिश्रा के छत पे हैं इलाहाबाद, देखें ये कुशल भाई अयूब भाई लगे बोल रहे थे ना, ये उस्ताद पहले तीसरी फरक से 7 बजे लगा रहा था। ये किस चीज से बनाया? ये हमारा मंदिर वाला कबूतर और अयूब भाई वाले कबूतर का बना। ये कबूतर ये अयूब भाई का प्योर कबूतर का बना। ये इस बार प्राइवेट में इसका 7 भाई बहन हुआ है, 7 भाई बहन का ये ब्यूटी अलग है। किस चीज से करा देखा? ये अयूब भाई का बच्चा है, हमारा मंदिर वाला हम दुकानदार वाला कौन सा नस्ल है इलाहाबाद का? तो उस्ताद ये नस्ल आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। शौक करें आप इनके आंखों का, बहुत अच्छा। हाँ ये पकड़ा इसलिए हम बोल रहे हैं क्रॉस करना तो बहुत अच्छा बनेगा। यूवाई के जैपियन आज इलाहाबाद के जैपियन के छत पर हैं। वर्ल्ड चैंपियन, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, वर्ल्ड जैपियन सॉरी 162 घंटे, वो भी 48 और 50 डिग्री टेम्परेचर में। कितने कबूतर में? 15 कबूतर में 162 घंटा अभी तक रिकॉर्ड ब्रेक नहीं। टेम्परेचर 48 प्लस, मतलब जिस दिन मैच था उस दिन तो 50 तक भेजा गया था उस्ताद के। जी जी, 11 कबूतर का हम लोग का रिकॉर्ड है हमारा खलीफा का, 130 घंटा उस्ताद खलीफा बोली का रिकॉर्ड है लास्ट ईयर 11 कबूतर में 130 घंटे। वन डे एक दिन के 130। बिलाल भाई कुशल भाई माशाल्लाह ये माटी बहुत अच्छा आपने बनाया, हम और दिखाता है इसमें का बहुत है, बहुत अच्छा है ये सब, अच्छा ये बेस्ट है माशाल्लाह। दुबई से विराट भाई मंगाया था फेजी वाला कबूतर, पति के घर का था उसका और मंदिर वालों का सब बहुत हुआ है बात करने में, हम दिखाता है इसका भी माँ बाबा। आपका मंदिर वाला लग रहा है माशाल्लाह ज़बरदस्त कबूतर है। ये भी उसका आया आदमी का इटा है, सप्त कबूतर उठता नहीं हमारे घर पर, टोटल सप्त कबूतर उठता है। अब ये सब कबूतर पत्थर है उसमें तो मार दो लग जाएगा। यही मंदिर वाला है, यही है वैसे यही मेरा यहाँ और भैया ओरिजिनल अभी आपको दिखाता हूँ। उस्ताद के आने से आज पहली बार मंदिर वाले यूट्यूब पे दिखाई जा रहे हैं। बहुत अच्छा कबूतर ये हमारे, बहुत दिल खुश आया कुशल भाई का। मेन मंदिर लगा हुआ था जिससे पूरी इन्होंने पूरी आर्मी बना दी। मेन ये नहीं है, मेन ये नहीं है, मतलब मेन कबूतर जी। बहुत अच्छा कबूतर कुशल भाई ने बनाया, देखो ठीक है बेटा ठीक है। ये देखना सरोज भाई आइए, ये कबूतर कभी मैं आपको धोखा नहीं देगा।
यही है जो और इसका बच्चा है, ये सब इनमें से हम बना रहे हैं। ये कबूतर, ये हमारे घर पे अभी नया ब्रीड बना, ये इस समय का हमारे घर का टॉप कबूतर है। कबूतर में क्वालिटी भी आए, आंधी आ जाए, पानी आ जाए, आदि बरस जाए, सब कबूतर दुनिया का बैठ जाएगा, पागल की तरह इन नस्ल उठा रहे हैं। जी भाई, आप अच्छा किया, दूसरा लोगों का नहीं किया, सब फेरी रखा, बाकी हटा दिया। नहीं पहला सब 35 वाला रखा हुआ है, 20,000 कोटी 35 वाला नहीं होगा। ये ना रहे हैं, ये मेन मंदिर वाली कम से कम 17 साल शर्मा गए सारे बच्चे। ये नरका, ये माटी है, सारी एक यही एक कबूतरी से इससे बनाया, बहुत अच्छा किया। ये दो कबूतर थे, पूरा कबूतर है ये और ये हम ये ओ उधर इससे गया इस तरफ से। बहुत जबरदस्त ये दो कबूतर के बाद कबूतर बाजी इलाहाबाद का इससे ऊपर नहीं उठता, उसके बाद कबूतर खत्म में कबूतर बाजी। ये बुढ़ा हो गया, 25 साल 10-12 साल तो उसको उड़ाया है, जो कलम लिए थे ये कबूतर नहीं इलाहाबाद में किसी के पास। सेम किधर है नितिन भाई, नितिश भाई सेम आपका कबूतर जो गोल्डन टाइप है सेम जी, उसका पर है ये कबूतर बहुत मजबूत है। अरे जब जवान था उस्ताद, इसका हड्डी बदन जो मतलब कि यहाँ इलाहाबाद में अगर ढूंढेगा तो 500 कबूतर में एक ऐसा मिल पाएगा जब ये अपनी जवानी में था। हेलो हेलो, ये देखिए, ये दिखाना है सरोज भाई को दिखाना। देखो सरोज भाई किसे दिखाना, ये 36 साल है इस छत से। अरे ये मंदिर वाला जब उनको कुछ नहीं आता था उस्ताद, तब ये दो कबूतर जब कुछ भी नहीं आता था तो 5 बजे के बाद ही बैठता था गर्मी में। हम इन दोनों कबूतर को कुर्सी, तब हमारा छत इतना अच्छा नहीं था, कुर्सी लगा के बैठता था, देखता था, कहीं सही समझ में आता था जाता था, पकड़ता था, एक एक चीज देख देख के सिखा देता था कबूतर वाली। ये और वो कबूतर रक्त के लिए आप रक्त के लिए सिखा। अब हम बताता है ये कबूतर में क्या है। हमारे यहाँ ये शकल का कबूतर बहुत दिखेगा, लेकिन ये दुम खत्म हो गया हमारे यहाँ काला दुम। हाँ तो ये बहुत कम छत पे बहुत कम लोगों के पास बचा हुआ है, और यही मेन कबूतर है इलाहाबाद का। यहाँ पर अब जो दुम है ना वो हरे हरा कबूतर जो होता है, हरे कबूतर का दुम, काली दुम का नहीं आता हमारे पास। ये कबूतर का खूबी बहुत, और आजकल YouTube पे जो है सब लोगों को गुमराह कर देता है कि बंद होना चाहिए। हमारे पास
कम से कम इसमें 20 कबूतर ऐसा है जिसका जोड़ इतना खुला है, लेकिन शाम तक उड़ता है। जोड़े में हमारे पास 20 जोड़ी ऐसी पड़ी है जिसका जोड़ इतना खुला है बच्चे उड़ाता है। हमारे पास 20 आदमी कहता है चार अंगुल से बड़ी हड्डी ना हो जाए इसकी, 6 अंगुल से भी बड़ी शाम तक उड़ता है। अब हम इसको मानेगा जो यूट्यूब का मान उड़ाना, हम इसलिए सबको हम इसीलिए सबसे गए क्योंकि हम दूसरे का नहीं माना, जो प्रैक्टिकल हमने देखा हम उसका माना करना। अब आजकल किसी को कबूतर हाथ में देता है तो सबसे पहले ये है साला दुनिया भर का चीज देखता है कबूतर जो आप देखा मैदान में काम किया क्या बोला वो कबूतर। अब हमारे लोग का हाथ में ऐसा स्कैनर फिट होता है, आप साला चला जाएगा ऐसे आदमी कबूतर पकड़ाएगा हाथ में कबूतर ले लेगा पास कर देगा कबूतर पास रहेगा। हर तरह का आँख उड़ता है हर तरह का आँख नहीं होता है, कहाँ तक देखेगा मैदान खुद मैदान में पता चलेगा। उस्ताद आए कुछ जानकारी लोगों के दिखाओ अपने। जैसा कबूतर मिलता है जी कबूतर मिलता है, लेकिन जैसे ये कबूतर मजबूती सियाना माशाल्लाह बहुत कम मिलता है। जो लोग पसंद करता है पर उसका पर में कोई कमी नहीं है, देखो ये छोटा है कि वो अभी 10 साल की हमारा ख्याल में दम जो मिलता है दम बंद कुछ लोग ऐसा ही करता है, देखो हमने किया पर जो देखते ये चीज़ों का ये उसका अंदर पूरा है। 35 वाला कबूतर सब रखता है उस्ताद, ये दिखता 35 वाला है लेकिन 35 वाला नहीं है, इतना बड़ा थोड़ी नहीं आएगा 35 वाला। पुराना सियालकोटी कबूतर यार ये बहुत कम मिलता है, जो नर हमारा पास है ऐसा शक्ल लंबा है ऐसा आंकल से करीब है। कुशल भाई आप बहुत अच्छा कबूतर है, हमारे पास एक मिलेगा दो मिलेगा उस्ताद लेकिन तो वैसे ही कबूतर मिलेगा। बहुत लोगों के पास ऐसा रंगीन कबूतर है लेकिन ये हमारा रंगीन शाम को बैठता है। पिक्चर देख लीजिए आप कैसा टेडी वाला है ना पूरा पूरा ऐसे 5 बजे से पहले नहीं बैठा था रंगीन रंग। ये पाकिस्तान में क्या बोलता है दोबाज यहाँ भी बोलता है दोबाज। उस्ताद ये अपना देसी कबूतर है और आप इसके नस्ल के बारे में बताएंगे क्या इसके अंदर मजबूती है क्या चीज़ है क्या खूबी है। बहुत बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, मेन चीज कुशल भाई ने खुद उड़ाया टाइम लग रहा है शाम तक नहीं। इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी डाला हुआ है, शाम में 5 बजे के बाद उतरता है। अभी हम तेजी कबूतर हाथ में पकड़ा जी जी ये भी पकड़ा सेम तेजी का स्ट्रक्चर में जी। जिससे आप ऐसा करो आप लोग के इंडिया में बहुत अच्छा कबूतर है तो इसका शौक कराए उस्ताद। कुशल भाई क्यों माशाल्लाह कबूतर उड़ता है जी जी कुशल माशाल्लाह खुद तजुर्बा किया कबूतर उड़ाया जो उड़ा जो भी है तेरी है सियालकोटी है जो भी है वो रखता है इसलिए माशाल्लाह चैंपियन है जी बहुत उड़ाता है। ये तरीका से चलेगा माशाल्लाह मुश्किल से कोई आदमी कुशल भाई को जीतना ये गारंटी हमारा क्यों माशाल्लाह जो तरीका कबूतर तैयार किया ये उड़ाने के लिए माशाल्लाह बहुत मजबूत। इस कलर के उस्ताद कबूतर जो होते हैं ज़्यादातर के अपने इलाहाबाद के अंदर छतों पर दिखते हैं लेकिन ये उड़ान किसी में नहीं है। ये मेन पॉइंट है आप लोग के पास जो है जी और गया मैदान में काम किया जी इसलिए रखता है माशाल्लाह भी बहुत अच्छा है। इनकी आंखों का शौक कराएं उस्ताद तो पर का कुछ नॉलेज नहीं उस्ताद इसमें बहुत अच्छा है माशाल्लाह। देखो कुछ लोग बोलता है बड़ा पर जी अगर हमारा कबूतर का जिस्म इतना है पर बड़ा है आप मानेगा नहीं। अब कबूतर का जिस्म का हिसाब से पर देखो जी, पर जी। को देखना कुछ आदमी बोलता है बड़ा पर जैसा गाड़ी अगर गाड़ी का छोटा गाड़ी है टायर बड़ा कैसा होएगा खराब होएगा। कबूतर को ऐसा चाहिए जिस्म के हिसाब से दुम के हिसाब से ऐसा पर चाहिए यानी वो अगर बड़ा जिस्म में बड़ा पर है उसके लिए अच्छा है सब माशाल्लाह। परों की जो चौड़ाई और जो पतलापन होता है वो जिस्म के हिसाब से ही होना चाहिए जी। ये हमारे इलाहाबाद का सबसे पुराना देसी कबूतर 20 साल इलाहाबाद के सबसे मशहूर कबूतरों में जो पर बोलता है पर का बारे में देखो ये पूरा है कबूतर इसका पर उस तारीख के जिस्म के हिसाब से है बहुत मजबूत चौड़े चौड़े पर बहुत अच्छा है। तो उस्ताद ये क्या है ना कि जैसे ये कबूतर हम रखता है ना तो इस पे साल दो साल हमारा मेहनत जाएगा फिर इससे हम ये बनाता है फिर इससे ये बनाने के बाद ये इसमें ले आता है ये क्रॉस के ये निकला इससे इस पहले इसको बनाया इससे छोटा किया तो
छोटा करके उसके बाद ये अयूब भाई वाले में ले गया सलारा में। देखो कैसा अपने मजबूत किया बोल। देखो इसमें माता इतना मजबूत कबूतर है माशाल्लाह। ये भी पुराना कबूतर है आपका, बहुत पुराना कबूतर लग रहा है। 12-14 ये देखो 7-8 साल तो उड़ा है। ये इसकी माजी, ये किसका? ये इसके साथ लगी है सलारे के साथ। बहुत अच्छा लगता है। आजम भाई देखिए तो उड़े भी है ना, वही है देख लेंगे। कान दोनों रेड हो गया, कबूतर बहुत गर्म है। आओ इधर फोटो खींचे का कबूतर के साथ। ये इधर का कबूतर है इंडिया का, ये उस्ताद पाकिस्तानी रंपूरी है, पाकिस्तान का। और इतना खूबसूरती में हम अपने इलाहाबाद में अपने से कभी किसी का कबूतर उड़ता नहीं देखा। और इसको हम जब लाया था तो हमें भी नहीं पता था कि इतना उड़ेगा। ये सारी उड़ान 5 बजे की बात की थी, हम इसको ज़्यादा साल नहीं उड़ाया, 3 साल उड़ाया। फिर जो इतना खूबसूरत था तो जोड़े में ले लिया। अच्छा है सब लोग लाइन से आइए सर। क्या अभी देख ले पहले कबूतर हाथ में लेके एक फोटो खींच लेते ना। ओरिजिनल मंदिर वालों में जो हमारा ओरिजिनलिटी में जो बच्चा गिरता है वो हम पेयर के लिए लेते हैं ओरिजिनल मंदिर वालों। राम मौली साहब वालेकुम सलाम, खैरियत? नहीं है, कल आप फोन की घर के उपाद हाथ धुला देता, हाथ धुला देता है। बहुत अच्छा माशाल्लाह, अच्छा कबूतर बनाया है ये कबूतर। पहले बचपन में तो नहीं चला उस्ताद, लेकिन जब बड़ा हो के जब तैयार 10 साल के बाद जब तैयारी उड़ान के लिए तब जो चला, फिर ये कबूतर के लिए कम से कम 20 लोग से भी ये कबूतर देखने के लिए आता था हमारे घर। ऊपर से आता था तो धब्बेदार अलग लगता था, ये अलग कबूतर आ रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत ये कुछ देखे नहीं कौन बोल रहा है क्या करना चाहिए। और आप ये देखिए सारा कबूतर एक साइज का, मतलब है कलर बहुत अच्छा। कुशल भाई ये सेबे वाला का रिजल्ट कैसा है? ये दिखाई दूं उधर हरे पत्ते। हाँ इसमें उसका आँख बहुत फर्क है, व्हाइट हो गया। हमारा मंदिर वाला उस्ताद ऐसा कबूतर है कि इसका आँख तो थोड़ा सफेद है, अगर जंगली के साथ भी लगा देगा जो हमारे यहाँ जंगली कबूतर होता है, फिर भी आँख कलर हमारा मंदिर वाले का ही आएगा, इनका नहीं आएगा कभी। हमारा इतना मजबूत है मंदिर वाला कबूतर, नहीं करता है। ये तो अभी बाद में आया कबूतर है, 3 साल। ये देखो
एकदम ऐसा बाज की तरह था भाई। अब क्रॉस कर रहे हो और ये नहीं चले रहे, ये तो यहाँ एक बार हवा इसे नचाएगा खत्म हो जाए। क्रॉस करना बहुत अच्छा, तो कबूतरों के साथ में इसलिए अब अच्छा किया क्रॉस। उस्ताद किस तरह इलाहाबाद में भी कबूतर किसी के पास नहीं हुआ, लेकिन बहुत काम का नहीं आता ये कबूतर हमारे, लेकिन होगा नहीं किसी का सर। उसका जो दुम है हमारे यहाँ इलाहाबाद से मिलता जुलता, तो जब हवा नजीर का मियाँ नजीर का कबूतर कैसा रजल बहुत यही तो उड़ाता है अय्यूब भाई का कबूतर कमाल इसमें माशाल्लाह। ये उसका साथ में लगा है, ये जो बोलता है लाल परी, इसे लाल परी नहीं है टैडी कबूतर सा भी है परी, इसे भी निकल है। जिस भी मादा से इसको लगाया बहुत उड़ाया टैडी को, अय्यूब भाई दिया था हमको ये कबूतर। मियां नजीर के कबूतर टैडी वो आज सफ़े बिल्कुल सारे साइज थोड़ा छोटी रहती है। लाल परी किसी से निकला उसका डब वाला और सलारा फलारा ये है नहीं है कसूरी पर, ये है नहीं ये है कसूरी पर ये यही कबूतर है जो प्योर में बच्चा बहुत हुआ है अय्यूब भाई का। कोई कहेगा भी नहीं कि टैडी यहाँ पे ये उस्ताद हमको कबूतर ये टैडी नाम भले है, क्यों उस्ताद टैडी नाम भले है लेकिन पाकिस्तान का जो फकीर गुल कबूतर है इसमें पूरा फकीर गुल का पूरा हमको लक्षण दिखता है कबूतर। हाँ आता है वो क्रॉस किया बहुत मियां नजीर ने मिस्त्रीदी ने कुछ ये डाला वो डाला सब। जीतू भाई पास ऐसे कबूतर देखे थे पाकिस्तान से मंगाया था डायरेक्ट सेम ही। हाँ वो तो इसीलिए थे मलिक मुकम एक आध बच्चा कभी ब्रीडिंग वाला भी इसमें आता है तो हमको थोड़ा पहचान है हमको, तो ब्रीडिंग वाला बच्चा हम निकालता ही नहीं, वो अंदर है कभी जरूरत पड़ा तो जोड़ में ले लिया, नहीं पड़ा है मर गया वो बात का बात है, जाएगा ब्रीडिंग में। कबूतर उड़ाने में भी बहुत अच्छा अपने बनाया माशाल्लाह, रिजल्ट दिएगा पक्का। उस्ताद हमारा उड़ाने का गर्मी का कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन हम इतना चैलेंज एक हिसाब कहता है कि 50 कबूतर है नर्मदा में, 51वां कबूतर परदार नहीं करेगा और उतने कबूतर में पूरे शहर का टूर्नामेंट जीतेगा जितना बन रहा है। कबूतर बहुत अच्छे अपने बनाया कबूतर पूरा चैंपियन था। बेफिक्र भी जाइए अब भी जाइए पहना देंगे सील उतार के पहना देंगे हम भी। हम लोग आज आए हुए हैं कुशल भाई की छत पे, उस्ताद आया है जाइए ना आजम भाई सरोज भाई जाइए चालू है वीडियो चालू है। आज सब लोग कुशल भैया के छत पे आए हुए हैं और कुशल भैया इलाहाबाद के प्लेयर टॉप प्लेयरों में से एक हैं, उस्ताद इस्माइल यूआई के वर्ल्ड टॉप प्लेयरों में से हैं और ये हमारे बड़े भाई हैं शौक करते हैं, वो शौक कबूतर का चेयरमैन है नगराम से, वो भी आए तो आते नहीं लेकिन शौक बहुत करते हैं। और हमारे आदम भाई सरोज भाई मुंबई से, अली भाई बाबू भाई इलाहाबाद से, और ये हमारे इलाहाबाद से दिनेश भाई, अभी इनका भी कबूतरबाजी बहुत डेवलप कर चुका है, बहुत अच्छा ही शौक कर रहे हैं ये दिनेश भाई हमारे। और ये हमारे सहयोगी संतोष भाई, इनका नाम है संतोष यादव, ये हमारे सहयोगी उड़ान में बहुत मदद करते हैं हमारी, हमारे साथ रहते हैं। ये हमारा छोटा भाई है इसका नाम लल्ला है, लल्ला भाई। और ये भाई अली भाई है हमारे, ये भी इलाहाबाद के हैं, बाबे ये भी बाबे भाई हमारे इलाहाबाद से हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लिए उस्ताद, उस्ताद इस्माइल हमारी छत पर आए, बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। और हमारा लोग का सौभाग्य है कि हमारी छत पर ये आज अपना चरण रख दिए, अभी जो भी रिजल्ट हमारा लोग का रहा है पिछले टाइम में रहा है, अभी और अच्छा रिजल्ट दिखाने की कोशिश करें माशाल्लाह, बहुत मेहनत करता है उस्ताद। आपको इनका छत कैसा लगा? बहुत जबरदस्त कबूतर माशाल्लाह, जैसा हम देखा मजबूत कबूतर बनाया, इसलिए माशाल्लाह रिजल्ट आता है।
का जो तरीका कबूतर बनाना उड़ाना नंबर वन। उस्ताद जो इनके देसी कबूतर हैं जो कि इलाहाबाद की नस्ल है आपको दिखाई गई वो कैसा लगा आपको? इसलिए हम बोल रहे हैं जो लोगों का इधर देसी कबूतर है जो अच्छा वाला वो कबूतर को ख़त्म नहीं करना, छत में रखना, जो लाएगा बाहर से लेना, तजुर्बा करो और क्रॉस करो आप लोग का कबूतरों को साथ में। जैसा कुशल भाई मंदिर वाला कबूतर को, मंदिर वाला कबूतर माशाल्लाह सोना कबूतर है। मतलब उस्ताद अपना कबूतर बचा के रखो, नस्ल बनाओ लेकिन अपना बचा के रखो, लाजमी रखना, क्रॉस करना। देखो जैसा कुशल भाई ने किया मंदिर वाला कबूतर, वैसा बनाया जो कबूतर का साथ में टच किया वो कबूतर मजबूत हो गया जी, वादी परवाज बर्दाश्त सब चीज माशाल्लाह बहुत अच्छा मजा आया कबूतर देखा जी। और बहुत बहुत शुक्रिया सबके लिए।